कभी भी मिस्टर बीस्ट की कोई भी वीडियो देख लेना। In this video, we're going on a $250,000 vacation. Fun, पैसा, entertainment, destruction, सब कुछ भर भर के मिलेगा। This is a $1 billion super yacht, and it's big enough to hold an entire city on the water. Almost हम सबको पता है कि मिस्टर बीस्ट दुनिया का सबसे बड़ा individual YouTube creator है। They're from cross country, out of the country, and some have never even tried one of these burgers. लेकिन हम सबको ये नहीं पता कि मिस्टर बीस्ट को एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है और वो बीमारी है क्रोन्स डिजीज। I got Crohn's when I was 15, so I played baseball non-stop. And then when I got Crohn's, I lost like 50 pounds. Like. अपने former finance minister P. Chidambaram को भी यही same बीमारी है और दिक्कत वाली बात ये है कि जिस बंदे को Crohn's disease है, उसको कभी भी cancer हो सकता है. Chances बहुत ज़्यादा होते हैं. आज की इस 3D animated video को मैंने छोटे-छोटे तीन chapters में divide किया है. पहले chapter में समझेंगे कि क्या Crohn's disease किसी को भी हो सकती है और biologically ये disease exactly है क्या. दूसरे chapter में समझेंगे कि Crohn's disease के complications क्या हैं, यानी Mr. Beast को इस बीमारी की वजह से क्या-क्या दिक्कतें daily झेलनी पड़ती हैं, और लास्ट चैप्टर में समझेंगे कि क्रोन्स डिजीज की वजह से हर वक्त मिस्टर बीस्ट की जान का खतरा कैसे बना हुआ है, इससे कैंसर कैसे होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डॉक्टर्स को आज तक इस बीमारी का क्योर क्यों नहीं मिल सका। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ये अपना माउथ है और ये एनस है। इस माउथ से लेकर एनस तक ये जो पाइप है, यानी ये जो रास्ता है जिसमें हमारा खाना ट्रेवल करता है, इसे बोला जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। अब क्रोन्स डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में कहीं भी सूजन आ सकती है, एंड एज अ रिजल्ट नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि क्रोन्स डिजीज में इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूस ना होकर स्कैटर्ड होता है। मतलब ये कि सूजन पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में कहीं भी लोकेटेड हो सकती है। इस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इतने पार्ट को इलियम कहते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के इतने पार्ट को असेंडिंग कॉलन कहते हैं। जहां इलियम और असेंडिंग कॉलन मिलते हैं उस रीजन को इलियोकॉलिक रीजन कहते हैं और यही क्रोन्स डिजीज का सबसे मेजर टारगेट है। सामने टेबल पर आप ये जो कॉर्न और प्रोसेस्ड फूड्स देख रहे हो, मिस्टर बीस्ट इनको नहीं खा सकता क्योंकि उसको क्रोन्स डिजीज है और क्रोन्स डिजीज में ये फूड ट्रिगर फूड्स का काम करते हैं, यानी ऐसे फूड्स जिनको खाने की वजह से बॉडी में सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। सिम्टम्स जैसे भयंकर पेट दर्द, बार बार वॉशरूम जाना, खाना बिना डाइजेस्ट हुए एज इट इज बॉडी से बाहर आ जाना, इसके अलावा फटीग यानी थकान महसूस होना, वेट लूज होना और रेक्टल ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी इन्वॉल्व्ड हैं। क्रोन्स डिजीज को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि इसमें इम्यूनो सिस्टम चालू तो हो जाता है लेकिन अपना काम करने के बाद बंद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल कंडीशन में जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी में जाते हैं तो उनको मारने के लिए हमारा इम्यूनो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यूनो सिस्टम, जिसे हमारी बॉडी की मिलिट्री कहते हैं, वो ऑन होकर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की वजह से फीवर और इन्फ्लेमेशन जैसे बॉडी रिस्पॉन्सेज होते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो इम्यूनो सिस्टम ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट या ऑफ भी हो जाता है। पर क्रोन्स डिजीज में इम्यूनो सिस्टम ऑन तो हो जाता है लेकिन खुद को ऑफ नहीं कर पाता और आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेमेशन करने लग जाता है। चूंकि इन्फ्लेमेशन इतने ज्यादा लेवल पर हो रहा है तो इस रीजन से हमारे टिश्यूज ही खत्म होने लग जाते हैं। मोरओवर, इस सीवियर इन्फ्लेमेशन की वजह से जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है वो इतना बढ़ जाता है कि एक नई कंडीशन ट्रांसम्यूरल अल्सरेशन को जन्म देता है। ट्रांसम्यूरल अल्सरेशन को समझने के लिए पहले इस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक वॉल की लेयर्स को ध्यान से देखो। ये है ल्यूमन, जहाँ पर फूड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में ट्रेवल करता है। ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल वॉल है, इसका फर्स्ट पार्ट है म्यूकोसा, उसके नीचे है सब म्यूकोसा, फिर है एक मस्क्यूलर लेयर और सबसे नीचे है सिरोसा। सिरोसा के नीचे है एपिथेलियल ट्यूब्स जिनमें ब्लड फ्लो करता है। क्रोन्स डिजीज में अल्सर्स यानी छाले इतने डीप तक चले जाते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल वॉल की सिरोसा लेयर भी डैमेज हो जाती है और वेन्स से ब्लड बाहर की तरफ आने लगता है, जिससे बॉडी में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि क्रोन्स एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि आखिर मिस्टर बीस्ट को क्रोन्स डिजीज हुई ही कैसे, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या क्रोन्स डिजीज मुझे, आपको या दुनिया में किसी को भी हो सकती है। देखो, 1932 में डॉक्टर बरिल बी क्रोन ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस डिजीज को खोजा था, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि 1932 से आज तक यानी 91 साल बाद भी डॉक्टर्स इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्रोन्स डिजीज एग्जैक्टली किन फैक्टर्स की वजह से होती है। हालांकि क्रोन्स डिजीज के अभी तक तीन मेजर फैक्टर्स सामने आए हैं, जिनमें से फर्स्ट तो इम्यून सिस्टम का अनकंट्रोलेबल होकर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करना, दूसरा है एनवायरनमेंट जिसमें भी डाइट
और स्मोकिंग काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। थर्ड फैक्टर है जेनेटिक, पर इसे समझने के लिए हमें एक सेल के पास जाना होगा। ये है हमारा सेल। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही सेल को काम करने के लिए ऑर्डर्स देता है और सेल डेवलपमेंट में भी यही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस के अंदर जाकर देखो तो इसमें ये क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और अपनी बॉडी के हर एक सेल में ऐसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हर एक क्रोमोसोम में ये डीएनए यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक इंसान के डेवलपमेंट और फंक्शन से जुड़ी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। हर क्रोमोसोम के दो पार्ट्स होते हैं, एक स्मॉलर आर्म जिसे पी आर्म कहते हैं और एक लॉन्गर आर्म जिसे क्यू आर्म कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, एक सेल में जो टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, उनमें से ये है 16 नंबर का क्रोमोसोम और ये है उसका 12th बैंड जिस पर एक जीन है, NOT2 जीन। इस NOT2 जीन में हुए कुछ म्यूटेशंस की वजह से इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग होना बंद हो जाती है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है जिससे क्रोन्स डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि गट हेल्थ पूरी बॉडी की ही हेल्थ को इफेक्ट करती है और क्रोन्स डिजीज में हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ही डैमेज्ड है, इसकी वजह से और भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। पर सवाल ये है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस इतने ज्यादा भयंकर हो सकते हैं कि किसी को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ जाए। इन कॉम्प्लिकेशंस में सबसे खतरनाक है मेल एब्जॉर्प्शन। नॉर्मली खाना डाइजेस्ट होता हुआ जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां उस फूड से एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे आयरन और कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन से क्रिएट हुए अल्सर्स की वजह से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता और एनीमिया और वेट लॉस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यहां ध्यान दो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से मिस्टर बीस्ट को पथरी होने के यानी कि किडनी स्टोन्स होने के भी चांसेस काफी ज्यादा हैं। एनीवेज, दूसरा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है फिस्टुला। ये देखो, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके आउटर सरफेस को ही सरोसा बोलते हैं। जिसको क्रोन्स डिजीज होती है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सरोसा डैमेज हो सकता है और डैमेज इतना सीवियर होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के दोनों ट्यूब्स की बाउंड्री खत्म हो सकती है। फॉलोइंग दिस आपकी इंटेस्टाइन में स्टूल, ब्लड या पस लीकेज हो सकता है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रिक्चर्स। इसका मतलब है इंटेस्टाइन का कुछ एरिया नैरो डाउन होना। बार बार इन्फ्लेमेशन और बार बार हीलिंग से इंटेस्टाइन की लाइनिंग में चेंज आ जाता है। इंटेस्टाइन कहीं से पतली हो जाती है और बाउल डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने लगती है। इन सब बातों में सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है कोलोरेक्टल कैंसर। कैंसर इतने लंबे टाइम तक इन्फ्लेमेशन होने की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन और रेक्टम एरिया में डेवलप हो जाता है जो जानलेवा साबित हो सकता है। खैर, ये सब कॉम्प्लिकेशंस तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इंटेस्टाइन्स के अलावा भी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। कुछ केसेस में बोन डिजीज जैसे अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस होना, आई डिजीज जैसे एपिस्क्लेरिटिस, आयरिटिस, पोस्टीरियर यूवाइटिस हो जाना, स्किन डिजीज जैसे एरायथीमा नोडोसम, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग चोलंगाइटिस मतलब लीवर की बाइल डक्ट्स में इन्फ्लेमेशन होना पॉसिबल है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि किसी बंदे को क्रोन्स है या नहीं, डॉक्टर्स इसका पता कैसे लगाएंगे। इस डायग्नोसिस वाले पार्ट को मिस्टर बीस्ट के एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जब मिस्टर बीस्ट को सीवियर पेन और फ्रीक्वेंट बोल मूवमेंट हो रहा था तो डॉक्टर ने पहले कुछ ब्लड टेस्ट करवाए। इन टेस्ट की मदद से ब्लड में आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, लिवर में इन्फ्लेमेशन का पता लगाया। क्रोन्स डिजीज को पहचानने के लिए डॉक्टर्स एक और जो तरीका यूज करते हैं वो ध्यान से समझो। यहां थोड़ा ध्यान दो, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है और उसके ऊपर ये येलो कलर की जो चीज आप देख रहे हो ये क्रीपिंग फैट है, मतलब जो एब्डोमिनल फैट था वो इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइन की वॉल्स के बाहर की साइड पर जाकर चिपक गया है। इसका पता MRI से लगाया जाता है। इसके अलावा स्किप लीजंस में इंटेस्टाइन इस तरह की कोबलस्टोन जैसी दिखने लगती हैं, जो कि क्रोन्स डिजीज का एक बेसिक सिम्टम है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि क्रोन्स डिजीज का कोई क्योर नहीं है और इसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। जिस टाइम क्रोन्स डिजीज के सिम्टम्स हाइटेंड होते हैं उस कंडीशन को फ्लेयर अप कहते हैं और जिस टाइम क्रोन्स डिजीज के सिम्टम्स नॉर्मल होते हैं उसको रेमिशन टाइम कहते हैं। ट्रीटमेंट में सिर्फ रेमिशन को मेंटेन किया जाता है ताकि बंदा अपनी लाइफ नॉर्मल तरह से जी सके। इसके लिए एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी मेडिसिंस का यूज किया जाता है। कुछ सीवियर केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ती है। सर्जरी सिर्फ क्रोन्स डिजीज की वजह से हुए कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में हेल्पफुल है। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि मिस्टर बीस्ट मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर होने के अलावा एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग बंदा है। एक एक वीडियो में करोड़ों रुपए लगाने के साथ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी क्रिएट करने के लिए अपनी जान तक डाल देता है। हालांकि मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियोस में क्रोन्स डिजीज की अवेयरनेस भी करता है, लेकिन एक डर जो हमेशा बना हुआ रहता है वो है कैंसर का। हम सबको पता है कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी कोई नहीं है और क्रोन्स डिजीज वालों को कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। यही रीजन है कि मिस्टर बीस्ट को बार बार कैंसर का टेस्ट कराना जरूरी है। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या डाइट में चेंजेस करके
क्रोन्स डिजीज के फ्लेयर अप को यानी इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ। डॉक्टर ने मिस्टर बीस्ट को कुछ डाइट मॉडिफिकेशंस भी दिए हैं, जिसमें फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड्स खाने के लिए एकदम मना किया है। उसे लो फ्लेक्स डाइट लेने को कहा है, जिसमें फैट और फाइबर कम हो। साथ ही ज्यादा प्रोटीन और वाटर इंटेक करने को कहा है। इसके अलावा मेडिटेशन और लो एक्सरसाइज करने की भी सलाह दी है। स्मोकिंग और कैफीन कंजम्पशन को बंद करने को कहा है। जिस समय मिस्टर बीस्ट को क्रोन्स डिजीज का पता चला तब वो 15 साल का था और पिछले 10 सालों से वो इस डिजीज को मैनेज कर रहा है, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है और यह डिजीज लाइफ टाइम के लिए ही स्टक है। फ्लेयर अप को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है उन फूड्स को अवॉइड किया जाए जो पेन ट्रिगर करते हैं। जैसे मिस्टर बीस्ट साल के हर हफ्ते सेम खाना ही खाता है ताकि फ्लेयर अप्स कम से कम हो। मिस्टर बीस्ट और पी चिदम्बरम के अलावा मैजिशियन डायनमो पीट डेविडसन, जो सैटरडे नाइट लाइव के होस्ट हैं, को भी क्रोन्स डिजीज है। यूएसए के 34th प्रेसिडेंट ड्वाइट डेविड आइजनहोवर को भी यह डिजीज थी। 100 बात की एक बात यह है कि क्रोन्स डिजीज किसी को भी हो सकती है। जब तक माँ के हाथ का खाना खा रहे हो तब तक क्रोन्स डिजीज की चिंता मत करो, लेकिन अगर बाहर का खाया तो किसी न किसी बीमारी के लिए तो रेडी रहना ही। उसके अलावा क्रोन्स डिजीज अमेरिकन और यूरोपियंस में होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, बिकॉज देयर जेनेटिक कंपोजिशन एंड द एनवायरनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। खैर, इस वीडियो में मैंने 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में बताया है कि कतर ने अपने इंडिया के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा क्यों सुनाई है। क्लिक करो और डिटेल में समझो।